जय माता दी सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है भाई जी, जब गुरु द्वारा शिष्य की शक्तियों पे बंद लगा दिया जाता है तो उस समय आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या आपके साथ बीतने लगता है और क्या क्या प्रॉब्लम आपके जीवन में आगे खड़ी हो जाती है। आज मैं इसी टॉपिक पर सारी वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जब भी आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। और अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, जिसमें भाई हम एक NGO ओपन करने जा रहे हैं, जिससे हम गरीब बहनों की शादी करा सके और भाई जी जो इन भाइयों के पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, उनकी हम हेल्प कर सके NGO के माध्यम से। इसमें आपको करना क्या, खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पहुँचे, उनके घर की प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो सके और लाइव में हमसे जुड़ के, अगर आप बेल आइकन भी साथ में दबाते हो तो लाइव में हमसे जुड़ के कोई भी आप समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसे का सहयोग नहीं करना, किसी चीज़ का सहयोग नहीं करना, करना खाली एक चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में उस चैनल को शेयर करना है। तो लेट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। तो भाइयों सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी है तबीयत खराब थोड़ी, और ये 3-4 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि चैनल पे वीडियो डालनी जरूरी है, वरना जो चैनल ने अभी स्पीड पकड़ी है वो स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी और बीच बीच में 1-2 दिन तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल जो वीडियो डालने के माध्यम रहता ही नहीं। फिर भी मैं वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भाई जब गुरु आपकी शक्तियों को बांध देता है तो उसमें क्या क्या आपके साथ बीतने लग जाता है और क्या क्या आपको देख कर पता लगा सकते हो कि आपकी शक्ति आपके गुरु के द्वारा बंधी हुई है और आपके गुरु ही आपकी शक्तियों को चला रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बना मान लेते हैं भाई जी, जब आप घर पे आते हो अपने साहब को शक्तियाँ प्राप्त हो रखी है, सारी चीज़ हो रखी है, आपने गुरु भी धारण कर रखा है, सारी चीज़ कर रखी है, पर जब आप घर पे अपनी शक्तियों को बुलाते हो तो शरीर हिल के कंपन रह के आपका शरीर में वाइब्रेशन होके वापसी पीछे हट जाती है शक्तियाँ। एक बार शरीर भारी होगा और फिर वो पीछे हट जाएगी, आपके शरीर पर शक्तियाँ आ नहीं पाएगी। तो सबसे पहला लक्षण ये है। इसमें भाई आप गुरु के द्वारा शक्तियाँ, अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो ये भी हो सकता है, अगर आपका गुरु धारण नहीं है तो भाई आपके शरीर का बंधन हो रखा है जिससे शक्ति आपके शरीर पे नहीं चढ़ रही है। किसी ने, आपके दुश्मन ने, जाने वाले ने या किसी ने और ने वो शक्तियाँ रोक रखी है, पर आपने जहाँ गुरु का हाथ रखो आपके सर पे आ गया या सारी चीज़ आ गई तो वहाँ पे ये काम नहीं होगा, फिर तो गुरु के द्वारा ही आपकी शक्तियाँ संचालित की जा रही है। दूसरा जब पॉइंट आता है भाई, आप कैसे पहचान सकते हो, शक्ति आप घर पर बुला रहे हो नहीं आ रही, पर आप अपने गुरु के पास जा रहे हो, वहाँ शक्ति आ रही है, खेल भी रही है, सारी चीज़ बता भी रही है, बूझा भी दे रही है। तो दूसरा पॉइंट है भाई जी ये, जब गुरु के पास जाते हैं शक्ति आती भी है, दिखाई भी देती है, बूझा भी देती है, वो चलती भी है। तो दूसरा पॉइंट ये है, कई भी कबार क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ शिष्यों को अच्छी मिल जाती है, गुरु से ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, तो आज के समय गुरु ये नहीं सोचता कि शिष्य मेरा ही नाम करेगा, इसको कुछ चीज़ मिली है, कुछ शक्ति मिली है, किसी भगवान का, किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद मिला है तो इसमें मेरा ही नाम होगा। गुरु को ये डर हो जाता है कभी ये मुझसे ऊपर ना चला जाए, तो वो आपकी शक्ति को रोक देता है और फिर अपने तरीके से उनको हैंडल करता है। क्योंकि कोई भी शक्ति जब किसी भी शिष्य को मिलती है, किसी भी जीवन में जितने भी हम इंसान हैं किसी भी इंसान को मिलती है तो सबसे पहले शक्तियाँ जो देवी शक्तियाँ होती हैं वो मांगती है गुरु। बिना गुरु के जब आप शक्ति को चलाते हैं तो उनका क्या होता है, वो ना तो कभी टाइम पर आती, ना तो उनके जो बताया जाता है वो बिल्कुल सत्य होता, ना हम उन पर यकीन कर सकते कि सत्य है या झूठ है। तो भाई शक्तियाँ जब संचालित होने लग जाती है सारी चीज़, वो गुरु के एक नियंत्रण में आके होती है। गुरु कहता है जब ये बुलाएगा वो चल लिए जाते शक्तियों, जब आपको बुलाओगे, जब उनको आना होगा, तो गुरु अपने तरीके से उनको संचालित करता है भाई। तो गुरु का भाई जब गुरु शक्तियाँ वो बांधता है तो सबसे पहले आपको पॉइंट ध्यान रखना भाई जी, आपने कहीं भी इलाज कराया, कहीं भी XYZ आपने कहीं भी इलाज करा के लेके आए, आप मेहंदीपुर बालाजी कराया या कहीं के लोकल में चौकी पर ही इलाज करते कोई भगत तो उनकी चौकियों पर इलाज कराया और उसके बाद आपको किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया, आपने घर आए, घर आते ही आप में देवी शक्तियाँ खेलने लग गई, सारी चीज़ होने लग गई और फिर भाई जी थोड़े दिन में वो खेलती है, आपके गुरु मना कर देते नहीं बुलाना, नहीं वो करना, और फिर भी वो शक्ति आप जागरण में जाते हो, कहीं वैसे जाते हो जहाँ भक्ति गीत होते हैं, कीर्तन होते हैं, वहाँ जाते हो, वो शक्तियाँ खेलने लग जाती है। फिर आप अपने गुरु को बताते हो, सर गुरु जी मेरे तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया, मेरे को तो सारी चीज़ों का आशीर्वाद मिला हुआ है, मेरे साथ ही हो रहा। तो गुरु क्या करता, जो आपके जिस दरबार से आप ने जुड़ के इलाज कराया था
जिस दरबार से जुड़ के आपने इलाज कराया था वो क्या करता है, उसको ये हो जाता है कभी भाई। मैं बताता हूँ अभी लोग बाग क्यों डरने लग गए हैं, क्योंकि कई लोगों ने भाई भक्ति लाए इनको एक बिजनेस बना लिया है। तो अगर आप में ही शक्तियाँ खेलने लग गई, जैसे किसी भगत ने आपका इलाज किया, आपका इलाज किया और आप में ही शक्ति खेलने लग गई और आपकी शक्ति ने गुरु मांग लिया, तो गुरु मांग लिया सारी चीज़ का हो गया, तो आपने कल को क्या हो गया दरबार लगाना शुरू कर दिया। तो जो संगत मतलब आपने किसी को लेके जाना था, आप ठीक हो गए उस दरबार से, आप ठीक हो गए, आपको शक्ति का आशीर्वाद मिल गया, पर आपके बाद में कोई दस हो रहा है भाई, आपका पड़ोस में होता है, पड़ोस में भाई तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम थी, कहाँ से ठीक कराया, कहाँ से नहीं, मुझे भी ले चल, मुझे भी वो कर, तो वहाँ से उनका काटा लग जाता है, उनकी संगत और बढ़ती नहीं है, संगत नहीं बढ़ती, उनकी सारी चीज़ नहीं बढ़ती। तो गुरु क्या करता है भाई, इसकी शक्तियों को बांध दे ताकि ये मेरे पास ही लेके आए, किसी को भी लेके आए तो ये खुद कल को दरबार लगाने की ना सोचे। तो कुछ गुरु को ये लालच भी होता है कि जो संगत आती है, जो सारी चीज़ आती है वो मेरे पास ही आए, क्योंकि कोई भी संगत आएगी दरबार में आएगी वो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये तो चढ़ा के जाएगी, और जिनका इलाज करते हैं वो मान सम्मान में भाई, जिनका डॉक्टरों को लगा लगा के जो 10,000 20,000 डॉक्टरों को दे के आते थे, तो किसी दरबार में जाके ठीक होकर आ रहे हैं तो 1,500 रुपये का कोई काली नहीं मानते भाई जी, वो चढ़ा के आते हैं, जिनका इलाज होता है जो खुश होते हैं वो चढ़ा के जाते हैं। तो फिर गुरुओं को ये लालच भी हो जाता है भाई इसको मैंने कर दिया तो वो मेरे यहाँ से काटा लग जाए, फिर इसके पास जाने लग जाएंगे सब। तो कुछ ये लालच होता है कि जब शिष्यों की शक्ति बांध दी जाती है कि शिष्य आगे ना बढ़ पाए, कल को इनका नाम ना हो जाए, सारी चीज़ ना हो जाए, मेरे को कौन बूझेगा। तो पर यह सबसे गंदी सोच होती है, क्योंकि शिष्य जब आगे बढ़ता है तो गुरु का सबसे पहले नाम होता है। अच्छा गुरु शिष्य को आगे बढ़ते देख के कभी नहीं जलेगा, जलते वो लोग हैं जो भाई जिनके अंदर काला होता है कि आगे बढ़ गया तो मेरे पास कौन आएगा। तो दूसरी बात क्या बताता हूँ क्या करते हैं फिर वो, कभी भी आपका इलाज हो गया हो, आपकी सारी चीज़ हो गई हो, आपका इलाज हो रखा है, सारी चीज़ रखा, तो कच्चे सूत का अगर आपके शरीर के ऊपर प्रयोग हुआ है, कच्चा सूत होता है एक वाइट धागे जैसा कच्चा सूत होता है, अगर उसके आपके शरीर पे प्रयोग किया गया है आपके गुरु के द्वारा, तो आप मान लीजिए आपका शरीर बंधन में आ चुका है, आपके ऊपर कोई देवी शक्तियाँ नहीं खेलेगी जब तक आपके गुरु नहीं चाहेंगे। ये चीज़ आप मान लेना या मत मानना, सच्चाई यही है। इसके पीछे का एक रीज़न और बताता हूँ, मेरे लोकल में ही था, मैं कुछ सामान लेने गया हुआ था पंसारी की दुकान पर, तो मुझे नहीं पता यहाँ पर कोई और भी दरबार लगाता था कोई नहीं, तो मैं दुकान पर सामान लेने गया था, वो बंदे बिहार के थे, जैसे किराए पर रहते भाई सारी चीज़ थे, बिहार के बंदे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्यों कौन नहीं मैं जानता है, तो वो बंदे बिहार के थे, मैं सामान लेने गया तो उनसे बोला कि पितरों का हवन करवा रहे थे वो, और उनसे कच्चा सूत मंगा रखा। मैंने बोला कच्चा सूत पितरों के लिए कहाँ से मंगा रखा है, बोला हमें कल पितरों का हवन कराना है, हमने पितर अपने शरीर पर चाहिए, हम भी घर में बीमार सारी चीज़ें आती है, तो कच्चे सूत से हमारे पितरों को वो करके लेके आएंगे। तो भाइयों ये जो गलत फहमी सब लोगों के बीच में बड़ी हुई है, कच्चे सूत से भगत लोग क्या करते हैं, मैं अब आपको इसकी असली कहानी बता देता हूँ। मेरी वीडियो बुरी तो लगेगी सबको, पर मैं सच्चाई बोलता हूँ भाई, जो बोलता हूँ बेशक अगर लगे बुरा लगे इस भक्तों को भाई, जो लगे, पाँच सारे भगत एक जैसे भी नहीं होते, पाँच उंगलियाँ बराबर भी नहीं होती, पर जो बुरा लगेगा जिनको उनके फूकेगी तो फूकेगी भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। पर सारी भगत भी बराबर नहीं कहता मैं कि सारे भगत बराबर है, अच्छे भगत भी बैठे हैं जो अपने शिष्य का नाम बढ़ता देख के खुश होते हैं, सच साथी चोरी होती है जिनकी, मेरा शिष्य है भाई। तो कच्चा सूत से होता क्या भाई जी, वो उनके पितरों को मंगा तो लिया, अब वो क्या करेंगे, उनके पितरों को तो बांध के गिर देंगे एक साइड में, कच्चे सूत से जो भगत थे भाई साइड में गिर देंगे, अब उसके ऊपर पितरों के नाम के जगह अपना एक दूत चला देंगे, जब भी वो दूत उनके शरीर में आएगा, क्योंकि जो भी शक्तियाँ होती हैं उनको पास्ट तक की सारी हिस्ट्री पता होती है, पास्ट में क्या इसका नाम था, क्या इसके दादा का नाम था, क्या इसके वो था, सारी डिटेल उनके पास होती है, कोई भी देवी शक्तियाँ होती है तो फ्यूचर का भी बता सकती है, पर शक्तियों को परमिशन नहीं होती फ्यूचर का बताने की, कुछ हिंट दे देती है कि ये होने वाला है इससे आप समझ जाओ, क्योंकि ये तो एक देवी शक्ति अभी भगवान का रूप हो गई, तो पर फ्यूचर को वो नहीं, तो कुछ हिंट होती है भाई इस हिंट पर ये हो जाएगा, पहले भी हमारे उसमें भविष्यवाणी हुई है कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, वो हिंट दी जाती है, कई आपने देखा भविष्यवाणी सच निकल गई, और कई ऐसी होती है कि भाई वो ना हुई, जैसे 2022 में भी धरती खत्म होने वाली थी 2012 में, तो कुछ भविष्यवाणी ऐसी है जिनकी हिंट हो जाती है और हो जाती है, हिंट आती है वो फ्यूचर को लेके, और कुछ हिंट होती है कि बिल्कुल ठीक उतर जाती है, वो खुल के बताने का तरीका नहीं होता, धरती का तो अंत होना ही है। तो भाई मैं बात करते हैं किस टॉपिक से बात कर रहे हैं हम, तो पितरों का सूत से बांध के उसमें अलग कर देगा, अब उस शरीर के अंदर जो भी खेलेगा वो उनका दूत होगा, कोई भूतड़ा उन्होंने कैद कर रखा उसको शुद्ध कर लिया हुआ, शुद्ध करके उसके शरीर में कूदेगा वो, और बोलेगा मैं पितर हूँ,
जब उनके घर में भगत लोग अब करते क्या काम, जब उनके घर में फायदा देना होगा, जा भाई भूतरे मेरे जो उसने कैद कर रखा है ऐसे मंत्र मारेंगे, जा प्रॉफिट दिखा दे। आपके घर में रातों रात जहाँ 1000 रुपये की दुकानदारी थी, 5000 की दुकानदारी होगी, 10000 की दुकानदारी होगी, 15000 की दुकानदारी होगी, आप भगत के पास गए भागे भागे, हाँ जी महाराज जी मेरा ये हो गया, लो भाई 2000 रुपये आपको भी चढ़ा के आ गए, ठीक है भाई अब आपका काम चल रहा है, काम चल रहा है, भगत हो गया थोड़ा सा टाइट था सब भगत का, यार किसका क्या करूँ यार, काम धंधा है नहीं, क्या कुछ है नहीं, तो भगत क्या करेगा, वो भूतड़ा जो आपको पितर के रूप में दे रखा था हाँ उसको टाइट करता हूँ, यहाँ से मंत्र मारेगा वो भूतड़ा काम धंधा डाउन मार देगा। फिर भाई जिसके पास पितर का इलाज कराया था, सारी चीज़ कराई थी, उसको क्या होगा, भाई साहब मेरा पितर ये हो गया भाई, मेरा काम धंधा में नुकसान हो रहा है, क्या हो गया, पितर है तो नहीं है इतनी, भाई हो जाएगा आपका काम, 1100 रुपये का, 2100 रुपये का खर्चा लगेगा, 2100 रुपये का खर्चा लगेगा, कैसा क्या हो गया, मैं पितरों को किसी ने बंधन में ले लिया है, उसके पितरों को खुलवाना है, तो हवन होगा, हवन का सामान अलग होगा, सारी चीज़ का अलग होगा, फिर उसके बाद 1-2 महीने तक आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, मतलब एक चैन बना ली जाती है सारी चीज़ की, सर्कल की, एक चैन के तरीके से आपका इलाज हो रहा है और आपको ज़िंदगी भर के लिए बांध के रख दिया जाता है। भगत अच्छे भी है, ऐसे ही भगत भी एक बार जाओ पूरी ज़िंदगी जाने की जरूरत नहीं, फिर कर भला तो हो भला, दूसरे के भले में अपना भला, अपना मानना एक ये चीज़ है, दूसरे का भला करके चलोगे जब भी अपना भला होगा, वरना कोई भगत इतनी टेंशन नहीं लेता, कोई इतना वो नहीं लेता। यार 4-5 दिन हो गए बीमार पड़े हुए, सारी चीज़ का हो रहा है, फिर भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, गले में टोन्सिल ऐसे हो गए वायरल फीवर की वजह से जिसकी कोई हद नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, जानकारी के लिए लेके आया हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी, जो समझाने की कोशिश मैंने की वो आपको समझ भी आ गया होगा, कैसे भगत देखो तो कोई अच्छा भगत देखो जो एक बार जाती है आपका इलाज जड़ से ख़त्म करे, ये नहीं कि आपको घुमाता रहे, आपकी अपनी भी लाइफ है, आपकी कोई अपने भी पर्सनल लाइफ होगी, आपकी भी घूमना होगा, आपको भी सारी चीज़ का वो करना होगा, तो आपकी भी चॉइस होगी, तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, सदा बालाजी के गुणगान करते रहिए, माता रानी के आशीर्वाद में बनाए रहिए, अपने पितरों को कभी मत भूलना और कुल देवी पे जाना बिल्कुल मत भूलना, जो इलाज आपके घर के देवी देवता कर देंगे वो कोई भगत भी नहीं कर सकता, ये बात जान लेना, कुल देवी से बढ़ के कोई शक्ति नहीं, आपके पितर देव के बिना आपका घर अनसुना है, उनके बिना घर में एक रोटी तक नहीं आप खा सकते, और कुल देवता के बिना घर में तो भाई आपकी किलकारी लगेगी नहीं किसी बच्चे की, कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद यही है, अरे इष्ट देव जिसने इष्ट देव को खुश कर लिया वो तो भाई ज़िंदगी में खुशी खुश है, भी नौकरी लो व्यापार लो किसी चीज़ में हाथ गेर देना आपके भूत पिशाच तो निकट भी नहीं आएंगे, तो अपनी 4 शक्तियाँ होती है भाई घर की, इनको मना के चलो ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहोगे, मौज रहोगे, किसी भगत के पास ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपका अपना विकास दैया दिल्ली दरबार से, जो जानकारी दी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी देकर जरूर जाना, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जानने वालों में वीडियो शेयर करो ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े और हम भी एक NGO ओपन कर सके, फिर ऐसी नई जानकारी एक नए अच्छे अच्छे विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव, बोल सच्चे दरबार की जय।